अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी बेसिकली जो है ना, ये एक डायग्नोसिस होती है, ये कोई डायग्नोसिस होती है, कोई पर्टिकुलरली कोई डिजीज़ नहीं है, डायग्नोसिस है, ठीक है, डिजीज़ ही है वैसे। इसमें होता है क्या है कि ना, जो किडनी होती है ना उसका रिवर्सिबल लॉस हो जाता है, ठीक है, रिवर्सिबल लॉस हो जाता है, लेकिन ये एक्यूट होता है। एक्यूट का मतलब होता है या तो ये विद इन डेज हुआ है या विद इन वीक्स हुआ है। इससे हमारे पास क्या होता है कि रिडक्शन इन द यूरिन वॉल्यूम हो जाता है। कैसे होता है, पैथोजेनेसिस क्या होती है, उसको मैं अभी आपको डिफाइन करती हूँ। फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें तीन बातों का पता होना चाहिए, तीन टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। वो क्या है, वो है प्री रीनल, रीनल। करने के लिए हम देख लेते हैं बेसिकली एक पिक्चर, जिसमें हमारे पास सबसे पहली हेडिंग है प्री रीनल। प्री रीनल का मतलब होता है ये जैसे हमारे पास किडनी बनी हुई है ना, किडनी से पहले कहीं पे कोई मसला हुआ है जो किडनी को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या हो सकता है, इम्पेयर परफ्यू, यानी कि जो ब्लड सप्लाई टू द किडनी है ना वो डिक्रीज़ हो रही है। ब्लड सप्लाई टू द किडनी डिक्रीज़ होने के हमारे पास डिफरेंट कॉजेज हैं, या तो क्या है हमारे पास कोई कार्डिक फेलियर हो गया है, या फिर हमारे पास क्या एनी काइंड ऑफ सेप्सिस हो रही है, या फिर क्या है कि ना ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा है, हाइपोवोल्यूमिया की स्टेट हो रही है, तो किडनी को सिग्नल आ रहा है कि जैसे ना ब्लड कम है। डिहाइड्रेशन हो रही है, डिहाइड्रेशन भी वही हाइपोवोल्यूमिया की स्टेट है। वास्कुलर ऑक्लूजन हो रही है, कोई वैसल ब्लॉक हो रही है, इस्कीमिया हो रहा है, जिसके वजह से जो ब्लड है वो प्रॉपरली किडनी तक रीच नहीं कर रहा। रीनल का मतलब होता है द कॉजेज दैट आर रिलेटेड टू द किडनी, कि किडनी के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमारे पास किडनी का फंक्शन जो है वो इंटरप्ट हो रहा है। उसमें क्या हो सकता है, कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, वास्कुलाइटिस हो सकता है, एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी हो सकती है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है, एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या कोई भी टॉक्सिन हो सकता है जो कि हमारी किडनी को इफेक्ट करेगा। पोस्ट रीनल में क्या होता है कि अब ये जो किडनी है ना हमारी, इस किडनी से आगे बात आ गई, यानी कि या तो वो ब्लैडर से रिलेटेड है, वो या तो यूरेथ्रा से रिलेटेड है, या फिर हमारे पास यूरेटर से रिलेटेड है। ब्लैडर से रिलेटेड होगी तो यानी किसी ने कोई कैल्क्यूलाई बन गया है, यूरेथ्रा से रिलेटेड है तो एनी काइंड ऑफ कोई प्रोस्टेट कैंसर बन गया, बेनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो गया, कोई ब्लैडर कैंसर हो गया, ठीक है, कोई प्रोस्टेट कैंसर हो गया, कोई सर्वाइकल कैंसर हो गया। जो किडनी से पहले हैं वो क्या है, प्री रीनल। जो किडनी के बाद हैं वो है पोस्ट रीनल। जो किडनी से रिलेटेड है वो है रीनल। अब हमारे पास एक बात जो याद करने वाली है वो ये है कि किडनी से पहले वाली बात अगर क्या है कि जो किडनी का ब्लड, जो ब्लड फ्लो है टूवर्ड्स द किडनी वो डिक्रीज़ हो रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, वो किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, कार्डिक फेलियर हो रहा है। कार्डिक फेलियर में ये है कि जो हार्ट है वो प्रॉपरली ब्लड पम्प नहीं कर रहा, कार्डिक आउटपुट कम है, कार्डिक आउटपुट कम होने से आर्टीरियल सप्लाई टू द जो किडनी है वो डिक्रीज़ है। जब आर्टीरियल सप्लाई टू द किडनी डिक्रीज़ है तो किडनी को क्या सिग्नल मिल रहा है कि हाइपोवोल्यूमिया की स्टेट हो गई है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ लैब टर्म्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम अपने पेशेंट को डायग्नोस कर सकें आया जो हमारा पेशेंट है वो प्री रीनल कॉजेज का इफेक्ट विक्टम है या फिर पोस्ट रीनल कॉजेज का विक्टम है। जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हमारे पास हैं वन क्रिएटिनिन रेशो, वो हमारे पास है यूरिया क्रिएटिनिन रेशो, वो हमारे पास है क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ठीक है। अब मैं आपको जो बात बता रही हूँ वो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने एक हाइपोथेटिकल से किडनी ड्रॉ कर ली, अब हम डिस्कस करें प्री रीनल कॉज, ठीक है। अब हमारे पास दो बातें होती हैं, एक होता है ब्लड, एक हमारे पास होता है यूरिन, ठीक है। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं कहानी ब्लड की, ठीक है। अब हमने ये बात बताई कि कोई भी कार्डिक फेलियर हो रहा है, कोई सेप्सिस हो रही है, कोई वास्कुलर ऑक्लूजन हो रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लड है ना प्रॉपरली वो किडनी तक नहीं आ रहा, ठीक है। ब्लड प्रॉपरली किडनी तक नहीं आ रहा, जब ब्लड प्रॉपरली किडनी तक नहीं आएगा तो क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं वो मैंने आपको बताया क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट कंपाउंड्स होते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट कंपाउंड्स में हमारे पास मोस्टली आता है क्रिएटिनिन, ठीक है, यूरिया, इसके अलावा अमोनिया। अमोनिया तो इंतहाई टॉक्सिक होता है, उसको हमारी बॉडी से हर सूरत रिमूव होना होता है। जो क्रिएटिनिन है वो मसल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होती है, और ये ओवरऑल अगर हम कहें तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। किडनी का काम क्या है, किडनी ने हर तरह के हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर आउट करना है, ठीक है, फिल्टर आउट करना है। अब जो है ये सारे सब्सटेंसेस कहाँ मौजूद हैं, ये सारे सब्सटेंसेस ब्लड में मौजूद हैं। जो ब्लड है वो किडनी तक कम आ रहा है, जब किडनी तक कम आएगा तो उसका जो फिल्ट्रेट होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनेगा, यानी जो GFR होगा, जब किडनी तक ब्लड ही कम आ रहा है तो GFR भी हमारे पास कम आएगा। जाहिर सी बात है अगर हम 5 लीटर ब्लड इंजेक्ट करेंगे तो हमारे पास उसमें से नियर अबाउट 4 लीटर्स या 4.5 लीटर्स जो है ना वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट आएगा। अब जब हम ब्लड ही कम दे रहे हैं, हम दे ही 2 लीटर ब्लड दे रहे हैं, तो जो GFR है वो हमारे पास रहेगा ही कम। जब GFR कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड के अंदर एक्सेसिव कंसनट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन थी, एक्सेसिव कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया थी, वो GFR के अंदर नहीं आई,
वो GFR के अंदर नहीं आई। ये बात आपको समझ में आई कि जब जाहिर सी बात है प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ही किडनी तक रीच नहीं करी, तो जो ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वो प्रॉपरली किडनी फिल्टर नहीं करी। जब किडनी उनको प्रॉपरली फिल्टर नहीं करेगी, यानी किडनी के अंदर जब ब्लड ही नहीं आ रहा, तो किडनी प्रॉपरली कैसे फिल्टर कर सकती है? तो इसका मतलब क्या होगा कि ब्लड के अंदर इन सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आई आपको कि ब्लड के अंदर क्या होगा, क्रिएटिनिन और यूरिया की जो कंसंट्रेशन है वो क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि ब्लड सप्लाई टू द किडनी ही कम है। जब ब्लड सप्लाई टू द किडनी कम है तो इसका मतलब ब्लड के अंदर ये सब कुछ एक्यूमुलेट हो रहा है, किडनी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास दूसरा केस क्या है कि जो ब्लड है ना वो किडनी तक प्रॉपर आ रहा है। आपने मेरी बात गौर से सुनी है, जो ब्लड है वो किडनी तक प्रॉपर आ रहा है, यानी जो 5 लीटर हमने कंसिडर किया अमाउंट, वो पूरा का पूरा जो ब्लड है वो किडनी तक आ रहा है। जब वो पूरा का पूरा ब्लड किडनी तक आएगा, लेकिन अब जो कॉज है वो किडनी की है, जो किडनी है ना वो डैमेज है, या तो किडनी का ग्लोमेरुलस डैमेज है, किडनी का कोई ट्यूबुलर नेक्रोसिस हुआ है, तो जो किडनी है ना वो क्या कर रही है, जिन सब्सटेंसेस को नॉर्मली किडनी को क्या कराना चाहिए, फर्ज करें हमारा जो है ना ये ब्लड, ये ट्यूब्यूल ल्यूमेन और ये यूरिन, ठीक है। अब जो सब्सटेंसेस ब्लड से हमारे पास ट्यूब्यूल में आए, किडनी ने क्या करना था, उनको रीअब्सॉर्ब कराना था। अब किडनी का फंक्शन ही डैमेज है, ट्यूब्यूल ही डैमेज है, तो वो रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे, वो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। देखिए बात समझ में आई, ब्लड फ्लो टू द किडनी कंप्लीट है, जितना रिक्वायर्ड है उतना का पूरा है। ब्लड फ्लो जब किडनी को कंप्लीट है लेकिन किडनी कुछ डैमेज है, तो जो सब्सटेंसेस किडनी को एब्जॉर्ब करने चाहिए थे, रीअब्जॉर्ब करने चाहिए थे, वो सब्सटेंसेस अब किडनी में रीअब्जॉर्ब ब्लड में नहीं हो रहे और वो यूरिन में एक्सक्रीट हो रहे हैं। यानी कि अगर हमारी बॉडी में यूरिया और क्रिएटिनिन की रीअब्जॉर्प्शन होनी थी, तो अब उनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। अब क्या होगा, यूरिन के अंदर, इस यूरिन के अंदर क्या होगा, यूरिया का और क्रिएटिनिन का लेवल राइज हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको मेरी? पहला केस क्या था कि ब्लड फ्लो टू द किडनी ही कम था, तो ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन और यूरिया एक्यूमुलेट हो रहे थे, ठीक है। अब क्या है कि ब्लड फ्लो तो टू द किडनी तो कंप्लीट है, लेकिन किडनी की अपनी कॉज है कोई, जिसकी वजह से हमारे पास डैमेज है, किडनी में डैमेज है, तो किडनी इन सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्ब ही नहीं करी, तो यूरिन के अंदर ये टोटली एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, ठीक है। जब एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं तो क्या है कि बेसिकली यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन का और यूरिया का लेवल ज़्यादा है। ये बात समझ में आ गई। अब हम इसके कॉन्जेक्टिव मूव करते हैं इन द यूरिन। ये जो प्री रीनल केस था जिसके अंदर ब्लड की फ्लो ही कम थी, उसके अंदर हमने क्या बताया, ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन और यूरिया का लेवल क्यों राइज कर रहा है, क्योंकि ब्लड का फ्लो किडनी पे कम आ रहा है। इसके कॉन्ट्राडिक्ट अगर हम देखें यूरिन को एट द सेम टाइम, अगर हम यूरिन की बात करें तो यूरिन के अंदर ये सब्सटेंसेस कम हो जाएंगे। यूरिन के अंदर ये सब्सटेंसेस क्यों कम हो जाएंगे, यूरिन के अंदर ये सब्सटेंसेस लिए कम हो जाएंगे, ब्लड ही नहीं आ रहा, अल्ट्रा फिल्ट्रेट ही नहीं बन रहा, अल्ट्रा फिल्ट्रेट नहीं बन रहा तो यूरिन में कैसे जाएंगे, यूरिन में जाएंगे ही नहीं। तो यूरिन में क्रिएटिनिन और यूरिया की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी इन केस ऑफ प्री रीनल कॉज, जब ब्लड कम है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, अब जो पोस्ट रीनल, जो रीनल की अपनी कॉज है ना कि किडनी जब डैमेज है, तो क्या हो रहा है, बेसिकली यूरिन के अंदर इन सारे सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि अब ब्लड तो कंप्लीट आ रहा है, अल्ट्राफिल्ट्रेट भी बन रहा है, लेकिन जो किडनी का अपना फंक्शन डैमेज है, किडनी इन सबको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो यूरिन के अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल रेज हो जाएगा। अब आप इंशाल्लाह ये डायग्नोस कर लेंगे कि अगर आपके पास कोई किडनी, एक्यूट किडनी इंजरी का पेशेंट है, तो आप उसकी कॉज डायग्नोस कर लेंगे कि अगर तो उसके ब्लड के अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल रेज है, लेकिन यूरिन के अंदर इनका लेवल बिलो है, कम है, तो ये क्या है, प्री रीनल कॉज है। अगर तो ब्लड के अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, कम है, और जो यूरिन है उसके अंदर ज़्यादा, तो वो हमारे पास रीनल कॉज है। अब एक बात जो हमें और याद रखनी है, हम हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई किडनी का जो है कोई हम पेशेंट देखते हैं, तो हम सबसे पहले कहते हैं जाओ क्रिएटिन क्लियरेंस करवा लो, क्रिएटिन इसका जो है ना चेक करवा लो, यूरिन टेस्ट करवाओ, क्रिएटिन आ जाएगा आप चेक करवा लो। वो हम इसलिए कहते हैं कि जो दो टर्म्स हमें यहाँ पे अब समझनी होती, एक हमारे पास होती है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन, और इसमें जो दूसरी टर्म होती है वो होती है सेक्रीशन, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है, जैसे ये ब्लड है, ये ल्यूमेन है ट्यूब्यूल का, ये यूरिन है, इस ट्यूब्यूल से यूरिन के अंदर जो सब्सटेंस आया, जब वो रीअब्जॉर्ब होगा, जब वो वापस आएगा ब्लड के अंदर, दैट इज रीअब्जॉर्प्शन। और इस ब्लड के अंदर जो सब्सटेंस है, जब वो टोटली एक्सीट आउट हो जाएगा यूरिन के अंदर, तो वो चीज़ है सेक्रीशन, ठीक है। अब जो हमारे पास, हम क्रिएटिन को हम एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं, हम उठा के कह देते हैं कि जाओ इसका क्रिएटिन चेक करवा लो, तो वो हम क्यों कहते हैं, वो हम इसलिए कहते हैं कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो क्रिएटिन होता है उसको किडनी रीअब्जॉर्ब नहीं करती,
किडनी उसको रीअब्जॉर्ब नहीं करती जितनी अमाउंट में, लाइक अगर 100 मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन के बने हैं तो 100 में से 99.9% जो है क्रिएटिनिन वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है इन द यूरिन और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे। अच्छा, अब हमने कहा कि 99.9% जो है ना वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है, अब जो 0.1% रिमेनिंग रह गया वो कहाँ गया? वो बेसिकली ये होता है कि जो नेफ्रॉन के हमारे पास ट्यूब्यूल्स होती हैं ना, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, जब वहाँ से हमारे पास यूरिया रीअब्जॉर्ब होता है ना, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी से बात है, जब यूरिया हमारे पास रीअब्जॉर्ब होता है तो यूरिया के अगर हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स रीअब्जॉर्ब हुए हैं तो उनके बीच हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ क्रिएटिनिन रीअब्जॉर्ब होता है, अगर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया हमारे पास रीअब्जॉर्ब हुए हैं तो उसके बीच हमारे पास मुश्किल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिएटिनिन रीअब्जॉर्ब होंगी। ये बात आपको समझ में आ गई? हमने क्या कहा, हम क्रिएटिनिन को क्यों हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जो क्रिएटिनिन है उसकी रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल निल है, अबाउट टू निल है, 99.99% जितना बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है उतना का उतना बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, इसलिए हम जो है क्रिएटिनिन को एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स आर टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप मुझसे दोबारा पूछें, मैं आपको दोबारा क्लियर करूँगी। मूव ऑन करते हैं कि ना रिस्क क्या है बेसिकली ना किडनी को डैमेज होने का रिस्क। अब हमने क्या किया, अपने पेशेंट का जो है ना ब्लड कल्चर कराया, ब्लड कल्चर में हमें पता चला कि जो सीरम क्रिएटिनिन है वो 1.5 फोल्ड इंक्रीज है। 1.5 फोल्ड का मतलब ये कि जो GFR है वो 25% डिक्रीज है, नॉर्मल कंसेंट्रेशन से अगर 1 है नॉर्मल कंसेंट्रेशन तो उससे 0.5% रेज्ड है, इसका मतलब हमारा जो GFR है वो 25% डिक्रीज हो गया और जो यूरिन आउटपुट है वो भी कम हो गया। अगर ये हमारे पास क्रिएटिनिन ब्लड के अंदर 2 फोल्ड इंक्रीज है, इसका मतलब GFR जो है वो 50% डिक्रीज हो गया। अगर हमारे पास क्रिएटिनिन सीरम क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो 3 फोल्ड इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब GFR जो है वो 75% डिक्रीज हो गया। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स के एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से हमारे पास क्या क्या कुछ हो सकता है। फ्री रीनल में मैंने आपको यही बताया कि सबसे पहले क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो कम है, रीनल ब्लड फ्लो कम का वजह से किडनी को सिग्नल जा रहा है कि वॉल्यूम लॉस है, हाइपोवॉल्यूमिया है, वो क्या करेगा कि ना हार्ट सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी। रीनल में क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, वास्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, इंटरस्टीशियल डिसऑर्डर हो सकता है या फिर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकती है। ये वो सारी बातें हैं जो कि लीड करती हैं टूवर्ड्स रीनल फेलियर। कि जो प्री रीनल होता है उसमें क्या होता है, प्री रीनल में हमने बताया कि जो ब्लड फ्लो टू द किडनी है वो डिक्रीज है, जब ब्लड फ्लो ही कम है तो GFR कम बनेगा, जब GFR कम बनेगा तो डिक्रीज क्लियरेंस होगी किसकी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड है उसके अंदर क्रिएटिनिन 1 क्रिएटिनिन रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन यूरिन के अंदर ये कंसेक्यूटिवली डिक्रीज हो जाएगी। ये बात अगर समझ नहीं आई आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने क्या बताया कि अब जो हमारे पास ये प्री रीनल का केस है ना, इसमें जो रीनल पैनेनकाइमा वो अनडैमेज है, किडनी हमारी बिल्कुल ठीक है, ट्यूब्यूल सिस्टम भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो है इस्कीमिया है ना, इस्कीमिया का मतलब ये कि जो ब्लड सप्लाई है वो कम है, जब ब्लड सप्लाई कम होगी ना तो अब हम बताते हैं कि जो GFR है वो कम क्यों हो रहा है या जो है ट्यूब्यूलर ड्यूमेन वो डैमेज किस तरह हो रहा है। जब इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया का मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई ट्यूब्यूल का जो एंडोथीलियम है ना उसके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, सेल जो है वो इन्फेक्शन का वो हुए विक्टिम, और उसके बाद क्या उनकी नेक्रोसिस हुई, और नेक्रोसिस होने के बाद ये सेल डैमेज जो है ना वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। ठीक है, ये जो बात है ये लीड करेगी टूवर्ड्स द रीनल डैमेज। ठीक है, इसने क्या किया, रीनल डैमेज कराया। ठीक है, अब जब रीनल डैमेज हो गया तो फिर क्या होगा, रीनल डैमेज हो गया तो फिर हमारा यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा, ओलिग यूरिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अब हमारा जो ल्यूमिन है वही ब्लॉक है, जब ल्यूमिन ब्लॉक है तो जाहिर सी बात है सब्सटेंसेस पास आउट नहीं करेंगे, सब्सटेंस पास आउट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओलिग यूरिया हो जाएगा। ये वही बात कि जो हमारा क्रिएटिनिन है ना उसकी रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होती, ये पूरा का पूरा ब्लड से आया, ट्यूब्यूल से यूरिन एक्सक्रीट आउट हो गया। ठीक है, जो यूरिया है उसकी थोड़ी सी रीअब्जॉर्प्शन होती है, बाकी उसकी सिक्रीशन हो जाती है टू द यूरिन। क्लियर, थोड़ा सा फर्दर क्लियर कर लेते हैं। अब हमने ये बताया जो अब नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होता है, आफ्रेंट आर्टेरियोल्स आ रहे होते हैं ग्लोमेरुलस की तरफ अराइवल, और इफ्रेंट आर्टेरियोल्स मूव कर रहे होते हैं अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस दैट इज एग्जिट। ठीक है, अब जो एफ्रेंट आर्टेरियोल्स हैं नॉर्मली क्या होता है कि जब इंक्रीज ब्लड फ्लो, अब जब ब्लड फ्लो आता है तो किडनी कहती है जितना क्वांटिटी ऑफ ब्लड मेरी तरफ ज़्यादा आएगा मैं उतना ज़्यादा GFR प्रोड्यूस करूँगी, मुझे उतना ज़्यादा फिल्टर करने का मौका मिलेगा,
तो जो आफरेंट आर्टिकल्स होते हैं नॉर्मली उनके ऊपर ऐड करे होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिंस, ठीक है, जो कि क्या करते हैं वेसोडायलेशन ऑफ द वेसल करवाते हैं। जब वेसोडायलेशन होगी तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द ब्लड आएगा, मैक्सिमम हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना आफरेंट आर्टिकल्स उनके ऊपर एक्ट करता है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 का काम क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन, यानी कि जितना स्लो स्लो यहाँ से ब्लड मूव करेगा उतना ज़्यादा ब्लड की फिल्ट्रेशन हो सकेगी, उतने ज़्यादा जो हमारे सब्सटेंसेस हैं वो रीअब्सॉर्ब हो सकेंगे। अब यहाँ से हमें एक बात आती है कि हम कहते हैं कि जो किडनी फेलियर का पेशेंट होता है, किडनी का पेन वाला पेशेंट होता है, उसको कभी भी एनसेड्स नहीं देते, उसे कभी भी पेन किलर्स नहीं देते। क्यों नहीं देते? जो एनसेड्स होते हैं ना वो पॉइजन होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिंस के लिए। अब एक बंदा पहले किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, उसको पहले हाइपोवोल्यूमिया हुआ है, आप और एनसेड्स देके उसको और हाइपोवोल्यूमिया करा दो, आप वेसल कोई कंस्ट्रिक्ट करवा दो, वो तो बंदा गया, किडनी गई। तो इसलिए हम एनसेड्स नहीं देते हैं, क्योंकि एनसेड जो है प्रोस्टाग्लैंडिंस को इनहिबिट करते हैं, ये वेसोडायलेशन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन में, ठीक है। और इसी तरह हम जो है किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी नहीं देते, कि ये एंजियोटेंसिन 2 को इनहिबिट करती है, वेसोडायलेशन करवाती है, ठीक है। पहले किडनी डैमेज है, आप उसके ऊपर और वर्कलोड इंक्रीज़ कर रहे हो, तो वर्कलोड इंक्रीज़ करने से क्या होगा, किडनी फर्दर जो है वो डैमेज की तरफ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। फीचर्स है ना वो हमारे पास पर्टिकुलरली आएंगे कि अगर हमारे पास प्री रीनल ब्लॉकेज है तो हमारे पास वही हाइपरटेंशन, हाइपोवोलेमिया, टैकिपनिया, टैकीकार्डिया वाले जो है ना सिम्टम्स आएंगे। अगर रीनल है तो हमारे पास जो है ना डिफरेंट सिम्टम्स आएंगे, कि ना यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ब्लड आने लग जाएगा, प्रोटीन्स आने लग जाएंगे, ब्लड आने लग जाएगा, ये बात मैंने आपको नहीं बताई। अब होगा क्या, जब ये हमारे पास होता है ना बोमैंस कैप्सूल, इसके अंदर ही हमारे पास पड़ा हुआ है सारा एक तरह से ना ग्लोमेरुलस, और इससे निकल रही आफरेंट आर्टिकल्स। जब हमारे पास ग्लोमेरुलस की अंदर जो है ना ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी ना, जब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो जो ब्लड है वो मूव करेगा इनटू द अल्ट्रा फिल्ट्रेट, ठीक है। जब वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट के अंदर मूव ऑन करेगा तो वो हमारे जो यूरिन है उसके अंदर अपेयर होगा, दैट इज हीमाचूरिया। ब्लड अपेयर हो रहा है किसके अंदर, यूरिन के अंदर। ये बात क्लियर हो गई। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट है ना वो मेरी किडनी इंजरी की पहली जो वीडियो है ना उसमें मौजूद है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम मूव करते हैं जनरल लैब्स की तरफ, कि हमने पेशेंट को अपने पेशेंट को आइडेंटिफाई भी तो करना है कि रीनल है, प्री रीनल है, क्या उसके अंदर सब कुछ है। तो हम उसका यूरिन एनालिसिस कर लेंगे, उसकी हम यूरिन केमिस्ट्री करवा लेंगे। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, ये अब इन आप लोगों को पता है हम क्या क्या देखेंगे। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स देख लेंगे, ठीक है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम देखेंगे, पोटेशियम वन, क्रिएटिनिन रेशियो और क्रिएटिनिन देख लेंगे। अल्ट्रासाउंड हम क्यों करवाएंगे, इन ऑर्डर टू लुक फॉर द पोस्ट रीनल, कि हमारे पास कोई कैलक्यूलाय तो नहीं बन रहा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रही, ब्लैडर कैथेटराइजेशन करा लेंगे। इसके अलावा हम सीटी स्कैन, रीनल बायोप्सी और रीनल एंजियोग्राफी करा लेंगे। अब हमारे पास बात आती है कि ना मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास सिम्टम्स आ रहे हैं हमने उनको ट्रीट करना है। लाइक अगर पेशेंट हाइपोवोल्यूमिया के स्टेट में प्रेजेंट कर रहा है तो हमने पेशेंट को फ्लूइड जो है ना वो लगा देना, ताकि उसके जो हाइपोवोल्यूमिया ना उसको हम ट्रीट कर सकें। फ्लूइड में हम मोस्टली रिंग इलेक्ट्रेट इस्तेमाल करते होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो कॉशन करना है, जो हमारे पास एक प्रिकॉशनरी वही है, जो हमारे पास एक अलार्मिंग साइन है, वो ये होता है कि अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, जिसके अंदर ऑलरेडी पल्मोनरी फ्यूजन हुई हुई है, पेरिकार्डियल एडिमा टाइप हो रहा है, तो आप उसके अंदर फर्दर जब फ्लूइड का ओवरलोड करोगे वो तो बंदा गया। तो इसलिए आपने जब भी हाइपोवोल्यूमिया के पेशेंट को ट्रीट करना है, किडनी प्री रीनल कॉज को आपने पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके मुताबिक आपने फ्लूइड को जो है ना पेशेंट को इंजेस्ट इंट्रावीनस लगाना है। इसके अलावा जो पेशेंट अगर हाइपरकैलेमिया के साथ प्रेजेंट करा तो हम फर्दर उसको ट्रीट करेंगे। हाइपरकैलेमिया इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर पेशेंट एसिडोसिस के साथ आ रहा है तो हम उसको उसके प्रोटोकॉल के मुताबिक ट्रीट करेंगे। लेकिन हमने क्या करना है, हमने अवॉइड करना है यूज़ ऑफ एनसेड्स, हमने अवॉइड करना है यूज़ ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। हमने बता दिया जो एनसेड्स हैं वो क्या करेंगे, वो प्रोस्टाग्लैंडिंस को इनहिबिट करेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिंस को इनहिबिट करेंगे तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, किडनी पहले डैमेज है, हम उसका और सत्यानाश करें, इसलिए हम एनसेड्स नहीं देंगे। होप सो आपको मेरी आज की वीडियो से एक्यूट किडनी इंजरी क्लियर हो गया है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।